सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर है, वहीं भाजपा पर पलटवार करते नजर आए। इस दौरान बड़ा बयान भी दिए कि वो योगी जी के रास्ते में चलना चाहते हैं। अरुण साव, इसका मतलब है कि मोदी जी का प्रभाव घटता जा रहा है, इसीलिए अरुण साव बार बार बुलडोजर की बात करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठती है तो उसी खुद पर तीन उंगलियां अपनी तरफ हो जाती है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई के तालपुरी ट्यून सिटी में नगर वन का लोकार्पण किया है। वहीं ठंगड़ा बांध में वृक्षारोपण, पुस्तकालय विमोचन के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित परिसर बैंक के मुख्यालय भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन, RIDF गोदाम का लोकार्पण और बैंक ATM की शुरुआत की है। अभिनंदन हो, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए शहर सरकार भी यहाँ है। आज हम मुख्यमंत्री निवास में देव प्रसाद चौबे जी की स्मृति में वसुंधरा सम्मान का आयोजन हुआ और वहीं उनके गांव में चौबे जी के माता जी के मूर्ति का अनावरण, कुमारी देवी चौबे का और काले छा का उद्घाटन और उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह जी की मूर्ति का लोकार्पण और अभी बहुत ही भव्य आदम कद प्रतिमा मोतीलाल वोरा जी जो यहाँ 5 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मध्यप्रदेश के भी रहे, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में जो सेवाएं दी है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान व्यक्ति के मूर्ति का अनावरण करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। जहाँ तक अरुण साहू जी की बात है तो अरुण साहू जी पहले जब उंगली एक उंगली सामने करते तो तीन उंगली अपने तरफ होती है और 5 साल पहले जो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा ना, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, अपने कार्यकर्ताओं को कहा 30 साल राज करेंगे, तो अरुण साहू जी पहले अपने तरफ देख ले, अपने कार्यकर्ता जो कमीशन खोर लोग हैं जो इस छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिए थे, लोगों को राशन के लिए तरसा रहे थे, शौचालय की जो पैसा खा गए, उन सब के पहले बुलडोजर चलाएंगे कि उसको अपने पार्टी से निकाला करेंगे, वो तय कर ले। बुलडोजर चलाने का भी तो उसकी उसको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो यदि योगी जी के रास्ते में चलना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि मोदी का प्रभाव घटते जा रहा है, इसीलिए बार बार अरुण साहब बुलडोजर की बात कर रहे हैं जो योगी का रास्ता है।